बहुत सारे लोग क्या समझते हैं प्रभु भोज क्या है? ब्रेड है, जूस है, पिया खाया, चलो जी घर। बहुत सारे लोग ये समझ कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं चर्च में चलो प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद खा के आते हैं। कुछ लोग लंगर समझ के खा रहे हैं। अगर हम अनंत जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, प्रभु के करीब आना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम प्रभु भोज को लें। आमीन। लेकिन प्रभु भोज को लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रभु भोज लेने से क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा भी हो सकता है, आज बाइबल से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन से 31 वचन तक, कि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लेकर आता है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं प्रभु भोज क्या है? ब्रेड है, जूस है, पिया खाया, चलो जी घर। बहुत सारे लोग ये समझ कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं चर्च में चलो प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद खा के आते हैं। कुछ लोग लंगर समझ के खा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु भोज कोई लंगर नहीं, कोई प्रसाद नहीं, जीवित परमेश्वर की देह और जीवित परमेश्वर का लहू है, उसको पहचानना जरूरी है। बिना पहचाने अगर आप उसको लेते हो तो बाइबल बोलती है दंड लेकर आते हो। और प्रभु का दास पौलुस यहां पर बोलता है तुम में कलीसिया में कितने लोग इस कारण से रोगी हो गए, यानी बीमार हो गए, ठीक थे अनुचित रीति से अपवित्रता के साथ, पाप की दशा में, गुनाह की दशा में प्रभु भोज ले लिया, लंगर समझ के खा लिया, प्रसाद समझ के खा लिया, गालियां देते, झूठ बोलते, व्यभिचार करते हैं, तब भी प्रभु भोज में शामिल हो गए तो क्या करते हैं? दंड लेकर आते हैं। और दंड में क्या मिलता है? बीमार हो जाते हैं। लिखा है तुम में से बहुत सारे लोग रोगी और निर्बल, निर्बल मतलब कमजोर, हाथ काम करना बंद कर दिया, पैर काम करना बंद कर दिया, आंखों की रोशनी चली गई, सुनना बंद कर दिया, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे श्राप जीवन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु भोज अति पवित्र है। और अपवित्रता की दशा में, अपवित्रता के साथ पाप की दशा में प्रभु भोज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं आपका जीवन पूरी तरह से पवित्र हो। आमीन, हालेलुया। अनुचित रीति से लेने के कारण क्या लिखा हुआ है? रोगी हो गए, निर्बल हो गए और बहुत सारे लोग सो भी गए। सोने का मतलब समझते हैं आप? मर गए। कारण प्रभु भोज को अपवित्रता में ले लिया, परवाही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, गुनाह करते, नशे करते, झूठ बोलते, वे विचार में हैं, फिर भी जब प्रभु भोज का टाइम आया सबसे आगे आके खड़े हो गए और प्रभु भोज लेके चले गए। बहुत सारी कलीसियाओं में प्रभु भोज कैसे होता है? हर हफ्ते होता है, कुछ जगह पर हर महीने होता है, हर महीने के पहले संडे। हमसे भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पास्टर जी हमारी चर्च में प्रभु भोज क्यों नहीं होता? हम नहीं चाहते कि चर्च के लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज लें और उसके बाद उनके ऊपर बीमारियां आए, समस्याएं आए या श्राप पड़े। हम चाहते हैं अगर आप प्रभु भोज लें तो समझ कर लें, सोच कर लें कि प्रभु भोज बहुत पवित्र है, यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जिसको लेते समय हमें पूरी तरह से पवित्र होना जरूरी है। पवित्रता की दशा में लिया हुआ प्रभु भोज आपको बीमारी से चंगा करेगा, पापों से शुद्ध करेगा, आपके दुखों को दूर करेगा, आपको प्रभु के नजदीक लेकर जाएगा, आपको अनंत जीवन देगा, आपको स्वर्ग में जाने के योग्य बनाएगा, आपको परमेश्वर के करीब लेकर आएगा। अपवित्रता में अनुचित रीति से लिया गया प्रभु भोज आपके जीवन में बीमारियां लाएगा, आपके ऊपर रोग पड़ेंगे, आपके ऊपर श्राप आएंगे, आप समस्याओं में फंसेंगे। इसलिए आज इस बात को समझना और जिंदगी भर के लिए सीखना है कि प्रभु भोज अति पवित्र है और अपवित्रता की दशा में आपको प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।